वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा एक क्वेश्चन हैगा कि जिवें कि पुरातन समय दे विच जो सिख सीगे जां जूत सी ओह गरीबां दे मजलूमां लई हक्कां लई लड़न लई अग्गे आउंदे सीगे, बट जो अज दा जूत है ओह अपनी जिम्मेवारी तों हट रहा। ओह इह चाहुंदा कि मैं किसे दे पंगे तों की लैणा, ते मेरा मेरी अपनी लाइफ सैट आ, मैं पंगिआं च फालतू च क्यों पैणा चाहुंदा। ये गलत है जां गलत है तां की करना चाहिए सानू? नहीं, ये गलत है। यूथ नूं अपना फर्ज निभाउणा चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यूथ नूं जगाया सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हक्कां वास्ते जो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हजूर साहब जाके जगाया वी तू इत्थे बैठा है ते अपना पंजाब च हाल दसो की हो रहा, किन्ना जुल्म हो रहा। इस करके यूथ जिहड़ा हुंदा इसे दे तां, क्योंकि जिहड़े बच्चे हुंदे ने उहनां दा ज्ञान अजे आपां नहीं संपूर्ण कह सकते होंगे। बच्चे चले ने जिहड़े हुण बजुर्ग हो गए, ठीक उन्होंने कोल तजर्बे होंगे ने, परंतु जिहड़ा हैगा हुण उन्होंने थोड़ा जोश मठा पै चुकया हुंदा। जिहड़ा नौजवान वर्ग है ये जे अगे आवेगा इहदे देश वास्ते संसार वास्ते मनुखता वास्ते, परंतु सही मार्ग जे यूथ खुद ही भटकया होगा तो फिर वह की करनगे। तो साडा ज़्यादा समा जिहड़ा है इस करके आपसी अपना रगड़े झगड़िया ज़्यादा मतीत होंगे। ये गल तो ठीक है, जिहड़ी अपना डिबेट है जां विचार है वो बहुत कुछ लभदा है। तो साडा मानसिक जिहड़ा है वो काफ़ी असीं, क्योंकि जिन्ना दिमाग नूं असीं वरतदे आं उन्ना जिहड़ा दिमाग काम करदा वो ठीक है, परंतु जिहड़ी फजूल दी बेमतलबी जिहड़ी वो विचार हुंदी है उहदे विच कुछ नहीं लभदा। जे सार्थक विचार हुंदी है वो ठीक हुंदी है, उहदे विच बहुत कुछ मिलदा है। सो इस करके यूथ नूं जिहड़ा है जिथे दुनियावी अज बहुत एजुकेशन हर पक्ष तो बहुत बढ़ गई है, तो परंतु सिर्फ नौजवानों का यही इन्ना ही नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ बस मैं हुण ए पढ़िया जां मैं कनेडा चलिया गया तो मैं अपने परिवार बारे सोचा, मैं क्यों किसे बारे सोचा। ये साडी जिहड़ी अपना फर्ज अदायगी है ये बहुत मतलब सीमित रहेगी, फिर थोड़ी है। असी अपने प्रति तो ही सोचते हैं, तो जिथे सानू अपने माता पिता बारे असी सोचना, अपने परिवार का सोचना, उत्थे सानू अपने देश का संसार का मनुखता का जरूर ही सोचना। यूथ का सब नाल वड्डा ये फर्ज बनता है। एक तो यूथ दे कोल जिहड़ा ज्ञान है नॉलेज है वह सही होनी चाहिए है, हर पक्ष की होनी चाहिए है। सीमित ज्ञान हुंदा जिहड़ा अधूरा ज्ञान है, कई बारी इंसान मान लेना चाहिए भी हाँ भी मैं कोई बंदा पूरा नहीं हुंदा, परमात्मा पूरा है जां गुरु पूरा है। तो इस करके जो अपनी थोड़े अधूरे ज्ञान नूं लै के अपना चलते ने उहदे विच भी कई जिहड़ा हैगा नुकसान हुंदे ने। फिर इस करके सब तरह का नॉलेज लै के तो अपना फर्ज जिहड़ा यूथ नूं अदा करना चाहिए, नहीं तो फिर जिहड़ी है दुनिया के भले वास्ते ये गल ठीक नहीं है। दुनिया के भले वास्ते क्योंकि बहुत सारिया जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने, तो सिर्फ अपने इत्थे पंजाब ही विच नहीं, वैसे तो पंजाब ही हुण किन्ना पिछे जा रहा है, पानी का सत्र किन्ना नीचे जा रहा, होर किन्नियां प्रॉब्लम्स ने। तो इस करके समय के नाल असीं जिहड़ा है जागदे आ, जिवें हुण कोई घटना हो जाती है समाज के विच तां फिर एक लख तो उहदा रिएक्शन हुंदा है। जे पहलां ही थोड़े सचेत होण, सावधान होण सारे, फिर वह बहुत फर्क पै सकदा, अगे वध सकदे आ, घटनावां घट सकदियां ने। सो इस करके यूथ नूं अपना फर्ज बहुत अदा करन दी जरूरत है। हुण देखो साडा असी जिन्ना कु हो सकिया, भावें साडा समाज दे प्रति है जां अपने दे प्रति है भावें पंथ दे प्रति है, असी एक एक दिन नूं एक एक मिनट नूं किवें असी यूज़ कीता, बड़ा जिन्ने भी नौजवान इत्थे साडे नाल रहे ने जां हन, ते ओह जिन्ना भी प्रचार दा समां आ गया भावें किसी दा भी हो गया, दिन रात एक करके लगाया है, दूसरे दे भले वास्ते लगाया। इस करके सिर्फ अपना ही सोचण दे नाल इंसान दी पूरा फर्ज नहीं हो जाता है, उहदा एम ऑफ लाइफ पूरा नहीं हो जाता है, उहदा अपने धर्म के प्रति गुरु के प्रति भी फर्ज बनता, अपने देश के प्रति मनुखता इंसानियत। हुण तां सारा ही संसार एक उहदे ते इकट्ठा हो गया ग्लोबल। सो इस करके ये फर्ज जरूरी अदा करने चाहिए ने। साडे ख्याल मुताबक यूथ नूं जागना चाहिए ते जगाउणा चाहिए अगे, ये बहुत जरूरत है। धन्यवाद।